हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो ये वीडियो है ना, वो इस टॉपिक पे है कि अगर आपका कोई पेट है, स्पेशली अगर आपका कोई डॉग है, तो आप उसको इंडिया से यूएस कैसे ला सकते हैं। तो अगर आप ये बात जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप अपने पेट को ना इंडिया से यूएस लाना चाहते हैं तो उसके तीन ऑप्शन होते हैं वाया फ्लाइट। एक तो आप इन कैबिन ला सकते हैं, दूसरा आप एज अ ट्रैवल कंपेनियन यानी कि आप एज एन एक्स्ट्रा बैगेज उसको ला सकते हैं, और तीसरा यानी कि आप कार्गो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें ना, तो इन तीनों प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप पेट को लाना चाह रहे हैं ना, तो आपके पास 6 मंथ्स का बफर टाइम होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में मिनिमम 6 मंथ्स लग ही जाते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपको रेबीज़ वैक्सीनेट करना होगा अपने पेट को। तो जैसे ही आपने उसको रेबीज़ वैक्सीनेशन दे दिया, उसके 2 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने 2 मंथ्स का वेट पीरियड कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद आपको टाइटर टेस्ट के लिए अपने पेट के सैंपल को भेजना होता है। अब टाइटर टेस्ट जो होता है ना, वो इंडिया में कहीं भी नहीं होता है। तो आप अपने किसी भी वेट के पास जाइए और उनसे बोलिए कि उनको टाइटर टेस्ट आप लोगों को करवाना अपने पेट का। तो वेट्स क्या करते हैं ना, आपके पेट के सैंपल को टाइटर टेस्ट के लिए भेज देते हैं इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है ना, जहाँ पे इंडिया से मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको टाइटर टेस्ट करवाना होता है अपने पेट का, वो वाया वेट्स अपने पेट्स के सैंपल को इंग्लैंड भेज देते हैं। और जैसे आपका सैंपल वहाँ पहुँचने में 15 से 20 दिन लगता है, एंड उसके बाद से आपका टाइम चालू हो जाता है, यानी कि 2 से 3 महीने में आपका टाइटर टेस्ट का रिजल्ट आता है। तो आप लगा लीजिए 2 महीना तो आपने मान लिया रेबीज़ वैक्सीनेशन का, और 3 महीना आप मान के चलिए टाइटर टेस्ट का। तो फुल ऑन अभी 5 मंथ्स हो चुके हैं। तो 5 मंथ्स के ये पीरियड के बाद, यानी कि जैसे आपका टाइटर टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं CDC परमिट के लिए। यानी कि आपको CDC US गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है कि आप अपने पेट को लाना चाहते हैं। आप उनके सारे टेस्ट रिजल्ट, टाइटर टेस्ट, रेबीज, सब कुछ उनको सेंड करते हैं, एंड वंस दे सी दैट, एंड वो अप्रूवल आपको भेजेंगे अप्रूवल ईमेल। अगर उन्होंने अप्रूव किया आप तभी अपने पेट को ला सकते हैं, अगर उन्होंने अप्रूव नहीं किया तो आप बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। तो आपने जब भी CDC को ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजी है ना, तो CDC अप्रूवल या डिक्लाइन में कम से कम 15 दिन लेता है। अगर मैं आपको अपने पेट के बारे में बताऊँ ना, हम लोगों का पेट यानी कि लैब्राडोर था, विच वॉज लाइक अ फुल साइज, उस टाइम पर वो 1.5 साल का था इंडिया में, और उसको मैं लेके आई थी कार्गो से, बिकॉज आई हैड फ्यू रीजंस, बिकॉज वो ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ का था तो वो इन कैबिन नहीं आ सकता था, और उसको एक्स्ट्रा बैगेज हम इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि कोई भी ट्रैवल कंपेनियन नहीं था उसके साथ। तो द ओनली ऑप्शन विच वॉज लेफ्ट विद अस वॉज कार्गो। तो अभी क्या होता है, अगर जो मैंने फर्स्ट आपको ऑप्शन बताया था ना कि आपको इन कैबिन लाना है अपने पेट को, तो इन कैबिन के लिए जो छोटे वाले क्रेट होते हैं आपको वो अवेलेबल रखने होंगे, और आपको पूरी फ्लाइट के दौरान ये मेक श्योर करना होता है कि आपका पेट जो है उस छोटे वाले क्रेट के बाहर ना निकले, इवन उनका फेस भी बाहर ना निकले। वो बेसिकली उसमें मतलब उनको एयर सप्लाई आनी चाहिए अंदर से, बिकॉज वो नेट या फिर आपका प्रॉपर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट एक तरीके से आप कह सकते होता है, जिसमें से एयर पास हो सकती है, बट वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उस क्रेट को आप इवन सीट्स में भी नहीं रख सकते, एंड दिस इज़ अ रूल, और एयरलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है इसके बारे में। एंड इसका भी वेट स्पेसिफिकेशन होता है कि हर एयरलाइन का अपना वेट स्पेसिफिकेशन होता है कि वो एक पर्टिकुलर वेट के अंदर ही इन कैबिन अलाउ करेंगे। अगर उस वेट से ज़्यादा है आपका पेट तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। सेकेंड चीज़ इज़ आप एज एन एक्स्ट्रा बैगेज अगर करना चाहें, तो देखिए एक्स्ट्रा बैगेज एंड इन कैबिन दोनों ही केस में आपको अपने एयरलाइन से अप्रूवल लेने होते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल प्लान आपका करें, वंस यू गेट टाइटर टेस्ट एवरीथिंग, रेबी, CDC अप्रूवल, सब कुछ, तो आप एयरलाइन को कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको कॉल कीजिए, वहाँ पर फ्लाइट बुक करिए, वो वाली फ्लाइट बुक करिए जिसमें कि एयरक्राफ्ट अलाउ करता है पेट को, एंड उसके बाद जब आपका रिजर्वेशन हो जाए, देन यू कॉन्टैक्ट द एयरलाइन अगेन एंड टेल देम कि ये वाली डेट को इस एयरक्राफ्ट से आप प्लान करें जर्नी अपनी। सो आपके साथ आपका पेट आएगा और उसकी सारी डिटेल्स आप उनको भेज दीजिए, एयरलाइन उसका सर्वे पूरा अच्छे से देखती है, एंड इफ़ अगर सब कुछ ठीक है और अगर उनके हाथ में है तो वो उसको अप्रूव करेगी, एंड ओनली देन यू कैन टेक योर पेट। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग डिक्लाइन कर दें, बिकॉज एक एयरक्राफ्ट में ना एक ही पर्टिकुलर नंबर ऑफ ही एनिमल्स अलाउड होते हैं, यानी कि अगर किसी और के 2 पेट जा रहे हैं तो आप अपने पेट को शायद ना ले जाएं, क्योंकि हो सकता है उनकी मैक्सिमम लिमिट उस एयरक्राफ्ट में सिर्फ 2 एनिमल्स की हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस बैगेज के थ्रू भी अगर आप लाना चाहें, तो उसमें भी सेम प्रोसेस है। एक्स्ट्रा बैगेज में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, विच इज़ आई थिंक एक्स्ट्रा बैगेज का $200 जितना भी पैसा होता है आपको एक्स्ट्रा सूटकेस का जो एक पे करना होता है एयरलाइन को, सेम अमाउंट आपको डॉग के लिए भी अपने पे करना होगा। थर्ड ऑप्शन इज़ कार्गो। कार्गो से क्या होता है, कार्गो इज़ वेरी कॉस्टली। कार्गो के ऑप्शन में ऐसा होता है कि आपको
कार्गो एयरक्राफ्ट क्या होते हैं ना, उसमें पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं करते. सो उसमें बेसिकली मेल, जो चीज़ें आपको मेल करनी है वो ट्रैवल करते, बड़े बड़े कुरियर्स ट्रैवल करते, एनिमल्स ट्रैवल करते. तो कार्गो के लिए आपको हमेशा एक एजेंट को ही हायर करना होता है. आप कार्गो खुद से पर्सनली कभी भी नहीं कर सकते एयरक्राफ्ट से. बिकॉज मैंने भी जब ऑस्कर आने वाला था तो आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट एयरलाइंस डायरेक्टली, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि एयरलाइन का जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एजेंट के थ्रू, और आप एजेंट के थ्रू ही जा सकते हैं कार्गो के केस में. कार्गो के भी अपने रूल्स होते हैं, किसी भी कार्गो में आपका डॉग नहीं जा सकता. कार्गो का सबसे बड़ा ये रूल होता है कि अगर कोई ह्यूमन डेड बॉडी उस कार्गो एयरक्राफ्ट में है तो ऑब्वियसली डॉग की बॉडी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि ह्यूमन डेड बॉडी काफ़ी सारे जर्म्स एयर में ला सकते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी फेटल हो सकता है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि अगर ऑयल जा रहा है तो डॉग नहीं जाएगा. अगर डॉग मतलब डॉग का भी अगर ब्रीड नॉर्मल ब्रीड है और एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रीड है तो दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते. इवन इफ दे विल बी इनसाइड अ क्रेट, स्टिल ऐसा होता है. अब अगर आप कार्गो या फिर एक्सेस बैगेज के थ्रू भी ले जाना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग ना क्रेट उनका पहले से लेके चले, क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू क्रेट लेंगे तो दे विल चार्ज यू 60 to 70,000 dollars. तो आप हो सके तो किसी डॉग शॉप से या डेली में जाके, स्पेशली वहाँ पे 30 to 40,000 के अंदर क्रेट मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दोज क्रेट शुड बी ITTA सर्टिफाइड. अगर ये सर्टिफाइड नहीं है ना तो आपका बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा ऐसे क्रेट्स को. तो ये आप मेक श्योर कर लीजिए. तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं. अब आती है बात हेल्थ सर्टिफिकेट की. सो जब भी आपका डेट ऑफ डिपार्चर है ना, उससे 2 दिन पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आप डॉग का हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लें, बिकॉज हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना आपका डॉग बिल्कुल भी नहीं जा सकता. हेल्थ सर्टिफिकेट इज़ समथिंग लिए आप अपने पेट को वेट के पास ले जाएंगे और वो वेट आपका डॉग का चेकअप करेगा और हेल्थ सर्टिफिकेट देगा कि दिस डॉग इज़ क्वाइट हेल्दी टू बी ट्रांसपोर्टेड और रिलोकेटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने टाइटर टेस्ट, रेबी, CDC, ये सारे काम और इवन क्रेट खरीदना, ये सारे काम मैंने खुद से करे थे, क्योंकि अगर मैं एजेंट के थ्रू जाती तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते. लास्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ थी, यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना, और क्योंकि वो कार्गो से जा रहा था एंड विदाउट एजेंसी ये नहीं हो सकता था, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने एजेंसी को हायर किया था. सो व्हाट वी डिड, हमने सारे चीज़ें कर ली थी और जैसे हमारा CDC अप्रूवल आया हमने एजेंसी को कॉन्टैक्ट करा. एजेंसी से ने फिर हमें कार्गो की कोटेशंस दी. ये जो कोटेशंस होती है ना, काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है. तो अगर आपको कोई एजेंसी 5.5 lakh, 5 lakh ऐसी भी कोटेशन दे रही है तो आप उनसे बोलिए कि प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट, और आगे पीछे के किसी और डेट में एयरक्राफ्ट से आप बात करके देखिए कि किस पर्टिकुलर डेट और किस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में रिड्यूस प्राइस मिल सकता है. इफ़ यू ट्राई दैट यू कैन बी क्वाइट लकी कि आपको रिड्यूस रेट मिल जाए, क्योंकि हमारे केस में ऐसा ही होता है कि हुआ था एक्चुअली कि एजेंसी ने हमें काफ़ी ज़्यादा हाई रेट इनिशियली बताया था, विच इज़ अराउंड 5.7 lakh इस तरीके का रेट बताया था. पर जब हमने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट करी, उनको बोला कि आप और ज़्यादा एयरक्राफ्ट से बात कीजिए, उनसे पता कीजिए कि कौन सी एयरक्राफ्ट में थोड़ा सस्ते में हो सकता है अगर आप डेट्स चेंज करेंगे, क्योंकि कई बार अगर हॉल्ट बहुत ज़्यादा टाइम का होता है तो एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो काफ़ी रिड्यूस प्राइस में आपको कोटेशन दे देते हैं. तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. सो वंस वी गॉट द राइट कोटेशन और हमको लगा कि दिस इज़ द गुड प्राइस फॉर अस, हम लोगों ने वो बुक कर दिया था एजेंसी के द्वारा. एंड उसके बाद हम लोगों ने एजेंसी को कॉन्टैक्ट किया और उनसे अप्रूवल वगैरह सब जब सारा काम हो गया, तो फिर ऑस्कर जिस दिन उसका डेट ऑफ डिपार्चर था उससे 3 दिन पहले एजेंसी के पास हमने उनको भेज दिया. एजेंसी की ही बोर्डिंग में ऑस्कर रहा काफ़ी टाइम तक, एंड वहाँ से फिर उन्होंने हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया और लास्ट के जो 1-2 डॉक्यूमेंट होते हैं, मोस्टली हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता. तो बेसिकली हेल्थ सर्टिफिकेट ऑस्कर का उन्होंने बना दिया और उसके ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट, क्योंकि कार्गो से जा रहा है तो उसका भी टिकट होगा राइट, तो वो सब उन्होंने बनाया. एंड एजेंसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ऑस्कर को अपनी गाड़ी से लाइक 3 दिन तक उन्होंने बोर्डिंग में रखा अपनी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. फिर वहाँ से उन्होंने एयरपोर्ट तक ट्रांसपोर्ट किया उसको, एंड एयरपोर्ट से उन्होंने जो एयरलाइंस के एजेंट्स, एयरलाइन के बेसिकली एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको हैंड ओवर किया और वहाँ से सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये बिल्कुल भी टेंशन फ्री काम था हमारे लिए. मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि कार्गो का ऑप्शन इज़ गुड, इवन इफ़ इट इज़ अ लिटिल कॉस्टलियर, वो काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उसमें बिल्कुल हेडेक नहीं रहता. आप मेरी तरह स्टार्टिंग के प्रोसेस खुद से कर सकते हैं. लास्ट का प्रोसेस जो होता है, जब आपको CDC अप्रूवल वंस आपका आ गया, उसके बाद आप एजेंसी को कॉन्टैक्ट करके बाकी की चीज़ें कर सकते हैं ट्रैवल के लिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें दे टेक केयर ऑफ इट, यू नीड नॉट टू बी वरी. मतलब आपको बस एक चीज़ करनी होगी, अपने डॉग को उनके सिटी तक ट्रांसपोर्ट करना है. एंड मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आपको ये भी एक्चुअली फैसिलिटी देती है कि वो आपकी लोकेशन से ही डॉग को पिकअप करके अपनी लोकेशन में लाएंगे. तो वो उसके बाद का सारा काम, 3 दिन तक बोर्डिंग में रखना, एयरपोर्ट तक पहुंचाना, एयरपोर्ट से तो एयरलाइन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सारा काम ना एजेंसी करती है. एंड इट्स क्वाइट गुड, मुझे पर्सनली ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लगा था.
सो मैंने जो एजेंसी हायर की थी ना, दैट वॉज कैरी माई पेट. दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं. नो नो, आई विश अगर मुझे इसके पैसे मिलते तो दैट वुड हैव बीन रियली ग्रेट. बट क्योंकि काफ़ी लोग आप लोग कॉमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम में रीच आउट करते हैं कि कैसे या किस एजेंसी के थ्रू मैंने किया, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को. कैरी माई पेट वॉज एजेंसी जिनको मैंने हायर किया था. उसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज होती है, लाइक एनविसिस करके एक एजेंसी है, एंड देर लॉट मेरी एजेंसी जो कि पेट रिलोकेशन एजेंसी होती है, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं. मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी. आप लोगों में से बहुत लोगों के क्वेश्चन हो गए कि क्यों मैंने कार्गो सर्विस ही यूज़ करी, मैं एज एन एक्स्ट्रा बैगेज खुद से ऑस्कर को क्यों नहीं लेके आया. इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा रीज़न है. एक्चुअली मैंने पहले यही ट्राई किया था कि मैं एज अ ट्रैवल कंपेनियन यानी कि एज एन एक्स्ट्रा बैगेज ही ऑस्कर को लेके आऊँ. तो मैंने एक्चुअली अपनी ऑलरेडी राउंड ट्रिप भी बुक कर दी थी यूएस टू दिल्ली एंड दिल्ली टू यूएस की. बट इस कभी भी आप अगर ऐसा करना चाहें ना, तो दो तीन पॉइंट्स है जो आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं रीजंस की वजह से मेरा ये ट्रिप कैंसिल हुआ था. एंड द लास्ट ऑप्शन विच वॉज लेफ्ट विद मी वॉज ओनली कार्गो. सो क्या होता है, जब भी आप अपने साथ लाना चाहें ना पेट को, तो यू मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी एयरलाइन पहले तो अलाउ करती हो. व्हेन आई से अलाउ, एक चीज़ होती है कि वो एयरक्राफ्ट में पेट को अलाउ करते हो. सेकेंड चीज़ इज़ कि जो आपकी सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है और जो बीच में हॉल्ट है, वो तीनों जगह पेट्स अलाउड हो. तो जैसे ऐसा हो सकता है आप दिल्ली टू दुबई आए, दुबई से अगर आप डेलिस आए, तो तीनों जगह में ना आपकी एयरलाइन अलाउ करती हो. मेरे केस में दिल्ली अलाउड था, दुबई अलाउड था, बट डैलस में वो अलाउ नहीं करी थी. सो आई वॉज यूजिंग कतर एयरलाइन, और कतर ने बोल दिया था कि डैलस, ह्यूस्टन जो मेरे एरिया के आसपास के एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे पेट को. आई डोंट नो क्या रीज़न था, क्योंकि बाकी एयरलाइंस अगर आप यूरोप से आ रहे, इधर से आ रहे, वो अलाउ करते थे, बट आई रियली डोंट नो. बट उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं करते. मैंने डबल चेक किया एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू, बट उन्होंने कहा कि वो अलाउ करते, बट एयरलाइन का जो आंसर था वो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग था. तो मुझे रिस्क नहीं लेना था ऑब्वियसली. अगर उन्होंने बोल दिया कि वो अलाउ ही नहीं करते डैलस एयरपोर्ट में, तो मैं कैसे ला सकती हूँ. द ओनली ऑप्शन विच वॉज लेफ्ट विद मी कि मैं सियाटल या न्यूयॉर्क या फिर यू नो इन सब के रास्ते आऊँ. बट अगर मैं न्यूयॉर्क के रास्ते भी आऊँगी, तो आना तो मुझे डैलस एयरपोर्ट में ही पड़ेगा, राइट, न्यूयॉर्क से. तो काफ़ी क्योस हो जाता, तो ये भी एक रीज़न था. सेकंड चीज़ आप पता करिए, देखिए सोर्स डेस्टिनेशन का भी आपको पता करना है, हॉल्ट्स का पता करना है कि सारे डेस्टिनेशन हॉल्ट सब जगह अलाउ करते हो. सेकंड चीज़ ये होती है कि जब भी आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स करते हैं ना, तो यू मेक श्योर कि आपकी सारी कनेक्टिंग फ्लाइट एक ही एयरलाइन की हो. ऐसा ना हो कि आपकी पहली फ्लाइट है इंडिगो की एंड दूसरी फ्लाइट है आपकी कतर की. ये बिल्कुल ना, आपकी अगर कतर से जा रहे हो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कतर हो, एमिरेट्स जा रहे हो तो स्टार्टिंग से लेकर एमिरेट्स हो. ये आपको बहुत ज्यादा मेक श्योर करना है, क्योंकि अगर आपकी दो डिफरेंट एयरलाइंस होती है ना कनेक्टिंग में, तो इस केस में भी अलाउड नहीं होता. थर्ड थिंग इज़ कि आपको मेक श्योर करना है कि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो सोर्स डेस्टिनेशन हॉल्ट किसी भी एयरपोर्ट में. व्हेन आई से रेस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल यूएस में रेस्ट्रिक्शन है ना कि आपका पेट को अगर आप रिलोकेट करना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर रिस्ट्रिक्शन रहते हैं. जैसे कि इस टाइम पे प्रेजेंटली हीट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, तो आप यूएस डैलस एयरपोर्ट से किसी भी लोकेशन में आप अपने पेट को नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है. तो यहाँ पे हीट रिस्ट्रिक्शन होती है. तो अगर एयरपोर्ट का टेम्परेचर, यानी कि एयरपोर्ट नहीं, सिटी का टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते पेट को किसी भी सिटी के लिए फ्लाई करने के लिए, किसी भी कंट्री के लिए फ्लाई करने के लिए उस एयरपोर्ट से. एंड ऑल्सो अगर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे है टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है, उस केस में भी अलाउ नहीं करते. तो आपको हीट रिस्ट्रिक्शन, कोल्ड रिस्ट्रिक्शन, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस पता करनी होगी. आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन का सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मेक श्योर करना होगा. तो आप ये सारी चीज़ें अगर आपकी सूट कर रही है, आपको अगर आपके फेवर में है, तभी आप अपने पेट को एज अ ट्रैवल कंपेनियन एक्स्ट्रा बैगेज के थ्रू ला सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं ला सकते. सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो ना अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना.